अगली खबर में बात करते हैं पन्ना की, जहां सेल्फी के चक्कर में लोग जोखिम उठाने से भी परहेज नहीं करते। पन्ना टाइगर रिजर्व में भी ऐसा ही नजारा दिखा। यहां कुछ युवक रिक्स लेकर बाघ के साथ सेल्फी और उसके फोटो खींचते नजर आए। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या के कारण आए दिन वनराज सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि राहगीर बाघों के साथ सेल्फी लेते दिख रहे हैं। ऐसा ही नजारा पन्ना छतरपुर रोड पर दिखा, जहां एक बाघ सड़क पार कर रहा है और राहगीर बाघ के थोड़ी ही दूर पर बिना सुरक्षा के खड़े होकर इत्मीनान के साथ सेल्फी ले रहा है, साथ ही टाइगर का फोटो खींच रहे हैं। इसका वीडियो सामने आया है। पन्ना के फील्ड को ऑर्डिनेटर LWUF इंदन भान सिंह बुंदेला ने कहा कि आमतौर बाघ अपनी राह पर सांस से चलने वाला जीव होता है, वह इंसानों के प्रति बहुत कम आक्रामक होता है। यह जो राहगीरों द्वारा बाघ के नजदीक जाकर सेल्फीबाजी करने का वीडियो सामने आया है, वह जीव और इंसानों के बीच प्रतिद्वंदित बढ़ाने वाला है। इंसानों को बाघ के प्रति अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। पन्ना टाइगर रिजर्व में 75 से अधिक बाघ विचरण कर रहे हैं। बाघों के दीदार करने के लिए अब 1 अक्टूबर से मंडला और हिनौता गेट खोल दिए गए हैं। PTR के कोर एवं बफर क्षेत्र के साथ आमतौर सड़कों पर टाइगर भ्रमण करते नजर आ जाते हैं। इस बीच राहगीर बाघ को देख इतने उत्साहित हो जाते हैं कि बाघ के नजदीक जाकर सेल्फी लेने लगते हैं। बता दें, पन्ना छतरपुर सड़क मार्ग में मनोरा में मंडला तक PTR का कोर एरिया पड़ता है। ऐसे में यहां बाघों सहित अन्य जंगली जानवरों का आना जाना आम बात है। इसी प्रकार पन्ना आमानगंज रोड में पन्ना से तारा तक PTR का बफर क्षेत्र है, यहां भी सड़क पर बाघ आ जाते हैं। 2019 में दीपावली के एक दिन पहले यहां एक बाघ सड़क हादसे का शिकार भी हो गया था। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत, राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।